तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप सबको पता है बहुत ही नज़दीक 2022 आने वाला है, तो उनका मैंने फोटो एडिट किया था और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। काफ़ी बंदों ने बोला कि फ़ोटो किस प्रकार एडिट किया है, तो इसका ट्यूटोरियल चाहिए। तो फाइनली इस फोटो का मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, उस फोटो को मैं बताऊँगा। देखो, ये फोटो हमने एडिट किया था, तो इसका काफ़ी बंदों का डिमांड आया कि फ़ोटो किस प्रकार एडिट किया है। तो आप भी इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करके इंस्टाग्राम पर फेसबुक में अपलोड करते हैं तो काफ़ी कमेंट और काफ़ी लाइक आते हैं इस प्रकार के फ़ोटो एडिट करने के में। तो करेंगे आप फ़ोटो एडिटिंग इस प्रकार का? तो गाइस, इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। गाइस, वीडियो को फुल वॉच करोगे ना आप, तो ऐसा फ़ोटो आप भी एडिट करना सीख पाएंगे। तो गाइस, इसमें हमने बैकग्राउंड और PNG का यूज़ किया है, तो हम बताएंगे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं जो भी एडिटिंग वाली वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो को लाइक और एंड शेयर जरूर करना। तो सबके पहले आपको ऑटोटेक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है गाइस, तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले आपको ऑटोटेक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, कुछ इस प्रकार का है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। इसको ओपन होने के बाद, तो गाइस इसको ओपन होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ऊपर चले जाना है। यहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ गाइस, यहाँ जाना आपको, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको एड फोटो में क्लिक कर लेना है। यहाँ से जैसे क्लिक करोगे ना, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी गाइस। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, तो बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं बता दूंगा आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस, फाइनली हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। और ये बैकग्राउंड देखो गाइस, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। हमने गाइस ये सब कुछ ऐड करके रखा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपको ओनली 2-3 PNG ऐड करना है। तो PNG ऐड कैसे करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस। फिर आप यहाँ जाना है, फिर आप जाना है, फिर यहाँ जाने के बाद आपको फिर से इसी एप्लीकेशन में क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद फिर से आप गैलरी में ओपन हो जाएगी। गैलरी में ओपन होने के बाद आपको PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से PNG ले लेता हूँ गाइस। तो गाइस, ये कुछ इस प्रकार का PNG देखो गाइस, इसको आपको कैसे करना है गाइस, यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट कर लेना है। और राइट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर डबल लेयर में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप गाइस इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है, अभी नॉर्मल हो रहा है। तो आपको इसको क्या करना है गैस, स्क्रीन कर देना। स्क्रीन जैसे ही करोगे गैस, तो ये देखो स्क्रीन में सेट हो जाएगा। तो गैस, इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ऊपर जाना है। फिर से यहाँ जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, और इसको इसमें क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है गैस। देखो गैस, इसको बड़ा कर लेना है। इसको बड़ा करने के बाद कुछ नहीं करना है, ऐसे राइट कर देना है गैस। राइट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है गैस, इसमें अपना फ़ोटो ऐड करना है। और फोटो ऐड करना है गाइस, क्योंकि हमने फ़ोटो ऐड करेंगे उसका बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव कर रखा है, तो मैं उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करूँगा गाइस। तो मैं दो फोटो ऐड कर लेता हूँ पहले से। तो गाइस, हमने देखो दोनों PNG ऐड कर लिया है गाइस। तो इस हमने पहले बैकग्राउंड कट कर रखा है इस फोटो का, तो मैं बैकग्राउंड कट नहीं करूँगा गाइस। तो मैं रिमूव डॉट बीजी की मदद से बहुत ही अच्छा खासा बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। तो ऐप्स आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा गाइस। तो उससे आप बहुत ही शानदार बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो गाइस, हमने बैकग्राउंड इसका रिमूव कर रखा है, तो मैं नहीं करूँगा इसका बैकग्राउंड रिमूव। तो गाइस, इतना होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस। तो अभी अनुष्का जी का फोटो आगे की तरफ है, तो इसको उनको पीछे की तरफ करना है। तो पीछे की तरफ करने के लिए आपको यहाँ ऊपर क्लिक कर लेना है। ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, अभी देखो ये अनुष्का जी का फोटो है ना, तो इसको पकड़ कर नीचे की तरफ ले आना है। हमारा फोटो ऊपर की तरफ लेना है, तभी हमारा फोटो आगे की तरफ आएगा। तो इस तरफ उठा लेना है, और उठाने के बाद फिर आप यहाँ जाना ऊपर। ऊपर जाने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन में क्लिक कर लेना है, और इसमें क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है गैस। देखो इस प्रकार से सही से सेट कर लेना है गैस इसको। तो इसको यहाँ रखूँगा मैं, देखो गैस इसको यहाँ रख लूँगा, और फिर मैं यहाँ से राइट कर लेता हूँ। राइट करने के बाद फिर मैं इसको पकड़ कर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद फिर आप यहाँ जाना। यहाँ जाने के बाद अपने फ़ोटो में क्लिक कर लेना है। अपने फ़ोटो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको उसी एप्लीकेशन में क्लिक कर लेना है गैस, और इसमें क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो को पकड़ कर कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेना है गैस।
देखो इस प्रकार से बड़ा कर लेना है, इसको सही से सेट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को तो हम क्रॉप कर लेंगे गाइस, इसको तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो इसको मैं यहाँ से सही से सेट कर लेता हूँ गाइस। तो इस प्रकार से सही से सेट हो चुका है ना गाइस। होने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है गाइस। तो राइट करने के बाद देखो गाइस, इतना होने के बाद एक पीएनजी और एयर करना है गाइस हमको, हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो मैं फिर से यहाँ जाऊँगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद एड फोटो इसमें क्लिक कर लूँगा मैं। इसमें क्लिक करने के बाद एक सीधा गैलरी ओपन हो जाएगी गाइस आपको। तो फाइनली इसमें गाइस हो चुका है एडिट, और इसको शेयर करेंगे यहाँ से गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करना और शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है आपको। शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद इसको फाइनली आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है, और ऑल फोटो में क्लिक कर लेना आपको। और ऑल फोटो में क्लिक करने के बाद देखो गाइस फर्स्ट में मेरा फोटो आ चुका है, और आने के बाद गाइस इसको थोड़ा क्रॉप करना है। तो तीसरा नंबर में क्रॉप वाला ऑप्शन है, तो क्रॉप में क्लिक कर लेना और ओरिजिनल इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपरी ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है आपको, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फोटो को सही से एडजस्ट करके इस प्रकार से इसको क्रॉप कर लेना है गाइस। ठीक है, इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से कर लेना है इसको राइट। तो अच्छी तरीके से हो चुका है क्रॉप, देखो गाइस। होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद गाइस एक ही प्रीसेट है, तो ये प्रीसेट डाउनलोड कर लेना आपको। थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है इसको। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी सेटिंग में क्लिक कर लेना है आपको, और कॉपी सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, जो हमने फोटो एडिट करना है इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है। और पहले क्या किया था हमको, कॉपी सेटिंग, तो आपको कॉपी सेटिंग नहीं करना है। अब इसके नीचे पेस्ट सेटिंग, तो पेस्ट सेटिंग में क्लिक कर लेना है आपको। जैसे पेस्ट सेटिंग में क्लिक किया तो गाइस देख सकते हैं हमारा फोटो एडिट हो चुका है, बट गाइस हमारे चेहरे में बहुत ज़्यादा कलर आ चुका है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन है, तो कलर्स में क्लिक कर लेना है आपको, और मिक्स में क्लिक कर लेना है। मिक्स में क्लिक करने के बाद दूसरा नंबर वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, और दूसरा नंबर वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद दूसरा नीचे से चले इसको थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस। ठीक है, इसको माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद फिर आपको तीसरा नंबर वाला कलर सेट करना है, और इसको भी थोड़ा बहुत माइनस कर लेना है। ये तो माइनस हो रहा है। तो गाइस आपको क्या करना है गाइस, फिर से फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस। इसको माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद गाइस कुछ भी नहीं करना है, फोटो देखो गाइस कितना अच्छा फोटो एडिट हो चुका है, बिफोर आफ्टर। इतना होने के बाद फोटो को शेयर कर लेना है आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो गाइस फाइनली हमने स्नैपसीड एप्लीकेशन में फोटो को शेयर कर लिया है, और आपको यहाँ टूल्स में क्लिक कर लेना है, और सिलेक्टिव में क्लिक कर लेना है आपको। सिलेक्टिव में क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, और छोटा कर लेना है, और इस प्रकार से हमने फोटो को वाइट कर लेना है गाइस। देखो गाइस अपने फोटो को वाइट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत वाइट कर लेना है। ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, और इसके नीचे वाले को भी थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद फिर टूल्स में चले जाना है आपको। टूल्स में जाने के बाद इधर आ जाना है, और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, और यहाँ पर स्मूथ टू, तो इसमें क्लिक होने दो, और इसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना है, और नीचे नीचे आ जाना है, और इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है गाइस। देखो इसको जैसे बढ़ाया कितना अच्छा इफेक्ट आ चुका है। फिर राइट कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा फोटो एडिट हो चुका है। तो गाइस ये था आज का छोटा ट्यूटोरियल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पास में बेल आइकन जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना, और इसको डाउनलोड कर लेना गाइस। आपको जैसे शेयर में क्लिक करोगे ना, तो सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस ये जो भी पीएनजी और जो भी प्रीसेट हमने यूज़ किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। और मेरी टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। मैं सभी पीएनजी और बैकग्राउंड वहाँ पर ही देता हूँ, तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर गाइस, लव यू। तो जय हिंद, जय भारत।